हेलो व्यूअर्स, नोटबुक आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे पुष्यभूति वंश या फिर वर्धन वंश के बारे में। गुप्त वंश के पतन के बाद जिन नए राजवंशों का उद्भव हुआ उनमें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख हैं। इन राजवंशों में पुष्यभूति वंश के शासकों ने सबसे विशाल साम्राज्य स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। इनकी राजधानी थानेश्वर यानी हरियाणा प्रांत के कुरुक्षेत्र जिले में स्थित वर्तमान थानेश्वर स्थान थी। प्रभाकर वर्धन इस वंश की स्वतंत्रता का जन्मदाता था तथा प्रथम प्रभावशाली शासक था जिसने परम भट्टारक और महाराजा धीराज जैसी सम्मानजनक उपाधियां धारण की। नजर डालते हैं इसके महत्वपूर्ण तथ्यों पर। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से दो पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन तथा एक कन्या राजश्री उत्पन्न हुई। राजश्री का विवाह कन्नौज के मौखरी राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर दी और राजश्री को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला परंतु देवगुप्त के मित्र गौड़ नरेश शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। आपको बता दें कि शशांक सैव धर्म का अनुयायी था। इसने बोधि वृक्ष की बोधगया को कटवा दिया। राजवर्धन की मृत्यु के बाद 606 ईस्वी में 16 वर्ष की अवस्था में हर्षवर्धन थानेश्वर की गद्दी पर बैठा। हर्ष को शिलादित्य के नाम से भी जाना जाता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण की थी। हर्ष ने शशांक को पराजित करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया तथा उसे अपनी राजधानी बनाया। हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच नर्मदा नदी के तट पर युद्ध हुआ जिसमें हर्ष की पराजय हुई। चीनी यात्री ह्वेन सोंग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। आपको बता दें कि ह्वेन सोंग को यात्रियों में राजकुमार, नीति का पंडित एवं वर्तमान शाक्यमुनि कहा जाता है। वह नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने एवं बौद्ध ग्रंथ संग्रह करने के उद्देश्य से भारत आया था। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंड अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किए। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। प्रारंभ में हर्ष भी अपने कुल देवता शिव का परम भक्त था। चीनी यात्री ह्वेन सोंग से मिलने के बाद उसने बौद्ध धर्म की महायान शाखा को राजाश्रय प्रदान किया तथा वह पूर्ण बौद्ध बन गया। हर्ष के समय में नालंदा महाविहार महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रधान केंद्र था। हर्ष के समय में प्रयाग में प्रति 5वें वर्ष एक समारोह आयोजित किया जाता था जिसे महामोक्ष परिषद कहा जाता है। ह्वेन सोंग स्वयं 6ठे समारोह में सम्मिलित हुआ था। बाणभट्ट हर्षचरित के दरबारी कवि थे। उन्होंने हर्षचरित एवं कादंबरी की रचना की। बाणभट्ट के गुरु भर्चु थे। प्रिय दर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद नामक 3 संस्कृत नाटक ग्रंथों की रचना हर्ष ने की थी। कहा जाता है कि धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार लेकर उसके नाम से ये तीनों नाटक लिख दिए। हर्ष को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है लेकिन वह ना तो कट्टर हिंदू था और ना ही सारे देश का शासक ही। हर्ष के अधीनस्थ शासक महाराजा अथवा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के मंत्री परिषद के मंत्री को सचिव या आमात्य कहा जाता था। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में विभाजित था। प्रांत को भूपति कहा जाता था। प्रत्येक भूपति का शासक राजस्थानी, उपरी अथवा राष्ट्रीय कहलाता था। भूपति का विभाजन जिलों में हुआ था। जिले की संज्ञा थी विषय, जिसका प्रधान विषयपति होता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक यानी कि आधुनिक तहसील होते थे। नीचे दिए हुए कालम में हर्ष की मंत्री परिषद का विवरण दिया गया है। जैसे भंडी प्रधान सचिव होता था, सिंहनाथ प्रधान सेनापति होता था, कुंतल अश्व सेना का प्रधान होता था, तो वही स्कंदगुप्त गज सेना का प्रधान होता था। ग्राम शासन की सबसे छोटी इकाई थी। ग्राम शासन का प्रधान ग्रामा छटपटलिक कहा जाता था। पुलिस कर्मियों को चाट या भाट कहा गया है। दंडपासिक तथा दांडिक पुलिस विभाग के अधिकारी होते थे। अश्व सेना के अधिकारियों को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारियों को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर्षचरित में सिंचाई के साधन के रूप में तुला यंत्र यानी कि जल पंप का उल्लेख मिलता है तथा इसके समय मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। आपको बता दें कि हर्षचरित में प्रांतीय शासक के लिए लोकपाल शब्द आया है। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल नोटबुक आईएएस को।